मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है और सुबह मस्त मिट्टू के साथ थोड़ी बातें बातें हो गई और मैंने सोचा आज नहा के ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि यार थोड़ा फ्रेशन अप होंगे तो सही रहेगा। तो अभी मैं मेरा स्किन केयर करने बैठ गई हूँ नहा के कम्प्लीट। तो अभी जस्ट टोनर लगाया है और ये रहा मेरा डार्क स्पॉट रिमूवर। ये मेरा सीक्रेट है यार, ये भी मेरा बीच में ख़त्म हो गया था ना तो ये फेस पे जो एक्नेज हो रहे थे उसके स्पॉट्स रह रहे थे, बट मैंने कंटिन्यू करना वापस स्टार्ट कर दिया है। मैं स्किन केयर को अच्छे से 2 मिनट देती हूँ यार सुबह सुबह, क्योंकि स्किन केयर मैन प्रॉपरली अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि मुझे आप लोगों से अच्छे से मिलना होता है। मैं ऐसा मुँह लेके तो नहीं मिल सकती ना, और मेरे मेकअप वीडियोज़ भी रहते हैं और थोड़ा खुद को पैम्पर करना भी अच्छा लगता है। सो जहाँ पर भी डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर इसको अच्छे से मसाज करनी है ऑल ओवर। हालांकि पूरे फेस पर लगा सकते हो पर जहाँ पर डार्क स्पॉट ज़्यादा है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना। सुबह आटा गूंद रही थी इसलिए सारी रिंग्स एक ही हाथ पे पहन लिए। आज थोड़ा सा चुकू और पापा और इन लोगों को काम है और काम वाली भाई जी भी कल आई थी तो आज भी आएगी। यूँ करके मैंने खाना जल्दी बनाने का ट्राई किया, आधा अधूरा काम हो गया है, थोड़ा सा काम बाकी है, रोटी बनानी बाकी है और सब्जी फ्राई करनी, दाल फ्राई करनी बाकी है क्योंकि मैं भाई जी के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। उसमें मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी खाना ही बना दूँ। मेन मेरी बिंदी रहती है, आपको बिंदी के बगैर तो अच्छा लगता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स मैं कंप्लीट रेडी हो गई हूँ देख लो, और अब चुन्नी वगैरह लगा देती हूँ और खाना बनाती हूँ। भाई जी का कुछ पता नहीं है क्योंकि कल नहीं भाई आई थी इसलिए, तो देखो आने वाली है क्या है। तो अगर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी खाना बन चुका है क्योंकि चिकू को थोड़ा काम था और जल्दी खाना भी मुझे बनाना ही था। तो आज खाने में बना है मूंग की दाल और रोटी। चिकू को आज दाल थोड़ी कम अच्छी लगी है क्योंकि हमेशा अच्छी बनती है, आज थोड़ी अच्छी कम ही बनी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। टेस्ट मुझे करवाई चिकू ने, नमकीन ले लो, नमकीन खाए इतनी भी गंदी नहीं हो गई चिकू, कौन सी लाओ रतला में, क्या कर सकते हैं, कभी तो खाना गंदा बन ही जाता है। फिर बस खाना खा लेती हूँ मैं, पता है जो आज मस्त यानी उठी तब से मैं इतनी रिलैक्स थी, आज से काम वाली आएगी मेरा मस्त, मैं फटाफट खाना बना दूंगी फिर जल्दी दुकान चली जाऊंगी, फिर सब अब काम पड़ा हुआ है मेरा। हालांकि 11:30 बजे में खाना बन गया है पूरा कंप्लीट, रखा मैन घर के काम तो पूरे बाकी है, अभी से भरोसे हो यार, क्या पता आ भी जाए थोड़ी देर में, देखो क्या होता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, खाना खा लिया है मैंने, झाड़ू तो लगा देती हूँ। पोछे तो एक बार रह भी गए तो चलेगा क्योंकि कल किए थे पोछे, और कपड़े शाम को आके धो दूंगी पर मैं कचरा ही पड़ा रहेगा तो नहीं अच्छा लगता है। सब जगह क्लीनिंग करती हूँ, सब जगह झाड़ू लग गए। अब जाती हूँ शॉप पर, पर्स तैयार कर देती हूँ, खाना खा लिया है, चुन्नी कहाँ गई निकाल देती हूँ चुन्नी, चलो बैठी बैठी चिकू का वेट कर रही थी, चिकू आएंगे छोड़ने, वरंगल छोड़ने आना कैंसल, जब भी आ रहे हैं छोड़ने। सो फ्रेंड्स शॉप पे आ गई हूँ, शॉप पे आई, कल हमने क्या काम किया वो मैं आपको बताती हूँ। ये मस्त हमारी कैटलॉग बन चुकी है सलोन की, इसका भी उल्टी खुल्ली ज्वेलरी की कैटलॉग पूरी बन गई है। मेरे पास जो भी ज्वेलरी का कलेक्शन है वो सारा मैंने कैटलॉग में डाल दिया अच्छे से, क्योंकि जितना ज्वेलरी को टच करते और इतना एक तो क्या कस्टमर होते हैं ना उस टाइम पे, हम इतने फ्री होते नहीं है क्योंकि ज्वेलरी खोल के बताए तो प्रॉपर फोटोशूट ही कर दिया, जिसको जो पसंद हो वो खोल के दिखा देंगे, क्यों करके ये काफ़ी ईजी हो गया हमारे लिए। ये चिकू ने आइडिया दिया था पर आइडिया बहुत सक्सेसफुल है। तो अभी हमने लिए सिंगाड़े जो कि अभी इस मौसम में आते हैं, ऐसे आते हैं, एक हरे भी आते हैं एंड काले भी आते हैं, टेस्टी लगते हैं बहुत। अभी हम सब तीनों जने मिल के सिंगाड़े खा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? कुवैत वालों को किसी को फोन करो, जयराम जी भी कहते हैं, भैया कहते हैं जयराम जी भी कहते हैं, नहीं मेरे को नहीं कहते, आदमी नहीं किसी को आदमी को बोलते हैं बस।
सो मैं अभी व्लॉग ही कर रही थी और मैंने मेरे फ़ोन को इतना नोटिस नहीं किया कि मेरे फ़ोन में कितना चार्ज है। आज मैं मेरा फ़ोन चार्ज करना ही भूल गई हूँ आईफोन। तो चिकू के साथ मैंने अभी चार्जर मंगाया है, ओनली 15% बैटरी रही है, बेचारा डेड होने वाला है। तो क्यों ना इससे पहले इसको चार्ज कर दिया जाए। तो चिकू जैसे ही चार्जर लेके आते हैं चार्ज करती हूँ, फिर व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी मैं। लव रिवाइव करो मेरे फ़ोन को। और डंडे ही है, पावर बैंक भी ऐसा लेके आए हो। बहुत अच्छी अच्छी डील्स आ गई हैं शॉप करो पर, तो आपको आप शॉप करो पर विजिट करो, बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिलने वाली है। और अभी मैं कस्टमर से ही बातें कर रही थी और कस्टमर के जो भी आज सुबह से, आज मैं पूरा टाइम लेके जितने भी मुझे DMs आए हुए हैं उनके सबके मैं पार्सल्स शिप कर रही हूँ, क्योंकि कितनी बार हर टाइम बिजी रहती हूँ, पर आज थोड़ी सी मैं फ्री हूँ तो आज सबके पार्सल निकल रहे हैं। और जिनके नहीं निकले वो कॉन्टैक्ट करो, बहुत ज़बरदस्त डील आई है। मैं व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, शॉप करो पर आओगे उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बताऊँगी उससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं करवा रही हूँ मेरे हेयर वॉश, क्योंकि 2-3 दिन हो गए और मेरे को थोड़ी मेरी स्कैल्प है वो थोड़ी ऑयली ऑयली लग रही है इसलिए। तो हेयर वॉश हो गया है मेरे और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मेरा एक पजामा है जो कि फट चुका है तो उसका रफ़ू करवाने देना है, तो रोशनी भी मार्केट की तरफ जा रही है, वहाँ जा रही हूँ, तो साथ में चलते हैं। क्या वो बंद है? चलो प्लीज, पिटिक के बिना बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं सैलून पे आ गई हूँ वापस से और मेरा काम हो गया है, जो मेरे को रफ़ू करवाने पजामा देना था वो भी दे दिया और बाकी का भी काम था वो भी कर लिया है। चिकू आ गए लेने के लिए। सुबह 7 बजे उठना हुआ आपको, जाना नहीं है क्या? बताते हैं तुमको ये सर, तो फिर शिक्षा देते? कैसी शिक्षा देते हो? ओ ये क्या हुआ, जूते टूट गए फाइनली? ऐसे न ऐसे पहन के घूम रहे हो? चलो मैं मायरा को लेके आती हूँ। अच्छा जी, हाँ अभी लेके आ रही हूँ। हिमी दीदी है कन्ना दीदी? नहीं बेटा, हिनाया दीदी। हाँ लो चलो, हिनाया आज आप मेरे से सुबह से मिले नहीं, आपको मतलब याद नहीं आई? चप्पल निकल दी, सॉक्स पहने इसलिए निकल दी ना। चलो गल पे, हाँ बच्चे खांसी। अच्छा छींक और खांसी, हाँ चिकू ने बनाया जो, हाँ मेरे मोजे, मेरे भी शेम शेम मोजे मोजे। चिकू है ना, चिकू क्यों नहीं है? चिकू नहीं है, चिकू गई। लाड़ कर दो मेरे को। और ये क्या लाए हो चिकू? ये क्या? ठंड की दवाई। सर्दी की दवाई ले गए, होने की दवाई? बैठना नहीं है यहाँ पे, नहीं बैठ नहीं बैठ। तो इसको रसोई में बैठा था। ना लिपस्टिक नहीं लगा रही, क्या लगा रही है? नीचे पानी। तो कहती है मेरे को बैठने से पहले छाप करो चाची, फ्लोर फ्लोर छाप करो। क्या बोलती है चाची, क्या बोलती है, क्या बोलती है, क्या बोलती है चाची? इधर से इधर इधर नहीं चाची, क्या बोलते हैं आपको? मेरा बच्चा ऐसे बोलो। चलो घूम घूम घूम, चलो जाओ घूम, खेलो खेलो कर रहे हैं, चलो। नहीं क्यों, मैं तो यहीं बैठ रही हूँ। नहीं इधर नहीं, तो कहाँ बैठूँ? इधर इधर बैठो, खाना बना रहे। खाना दादी ने रोटी बना दी।
तो घर पे आने के बाद खाना बन गया है। खाना आज मम्मी ने बना दिया था क्योंकि मैं शॉप से थोड़ा लेट ही हो गई थी, 7:30 ऊपर हो गई थी, और मम्मी और इन लोगों को काम भी था, जल्दी खाना भी बनाना था। तो खाने में बनाए आज तंदूरी की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पर मैं खाना फिनिश करती हूँ, और आज मेरे बड़ी मम्मी का फ़ोन आया था, फ़ोन करती हूँ, क्या बात है। मैं अभी बैठी थी और चिकू ने कहा कि मेरी कुंडली ला, मैं यार आज कुंडली पढ़ी हूँ। तो आज मैं अभी चिकू की कुंडली पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो पूरा यहाँ तक पढ़ने के बाद ये आया, चिकू को हंसी आ गई, इसकी पत्नी सुंदर व साध्वी, इतना कहते हुए चिकू खुश हो गए। यानी पैदा ही मैं, यानी ये सब किस्मत लेके हुआ हूँ, इसका मतलब ये खुश हो गए, मेरी पत्नी सुंदर है वो है। चलो बुरी पढ़ती हूँ, मस्त अभी पत्रिका पढ़ी, मजा आ गया। बहुत सारी प्रेडिक्शंस राइट होती है यार, कितने कितने सही निकले, नहीं कितनी निकली, यानी 70-80% राइट ही निकली है प्रेडिक्शंस अंदर जितनी भी हुई हुई है। तो मजा आया पढ़ के, पढ़नी चाहिए कभी कभी, आपकी भी खोल के बैठो मजा आएगा। और यहीं पर मैं कर देती हूँ ब्लॉग का एंड, अभी चिकू ब्लॉग एडिट कर रहे हैं, अब मैं सब मैं रेस्ट करती हूँ। आज का ब्लॉग देखने में अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय।